हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडियो ग्रुप में। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज है 18 जून। आज हम आप लोगों का करंट अफेयर्स लाए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं टॉपिक पे। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल आर के यादव स्टडी ग्रुप में। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स, आज है 18 जून। आज हम आप लोगों को आज का करेंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने रिपोर्ट हॉट डॉट शेयर इंड पहल लॉन्च की। फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप लोग को जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए हम चलते हैं। ऑप्शन दे रखा है चार फ्रेंड्स, फेसबुक है, ठीक है फ्रेंड्स, फेसबुक दे रखा है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स व्हाट्सएप, तीसरा ऑप्शन है ट्विटर और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स गूगल। तो यहाँ पे क्या सवाल है कि किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने रिपोर्ट इच डोंट शेयर एंड पहल लॉन्च किए। तो इसका आंसर ऑप्शन फेसबुक ने पहल लॉन्च किए। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका कुछ महत्वपूर्ण बातें फ्रेंड्स इससे रिलेटेड आप लोगों को हम बहुत आसान भाषा में आप लोगों को बताने वाले हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या रहने वाला है और क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें पे इसके कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दे रखा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने हेतु रिपोर्ट इट डोंट शेयर एंड पहल लॉन्च की है, जो कि काफ़ी अच्छा पहल लॉन्च किया फ्रेंड्स। यहाँ पे फेसबुक ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इड पहल आरंभ इंडिया इनिशिएटिव और साइबर पीस फाउंडेशन अर्पण संगठन के सहयोग से लॉन्च किया है, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिए। आगे देखते हैं, फेसबुक ने बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया के साथ लाइव इंस्टाग्राम पर फ्रीडम टू फीड पॉल की शुरुआत की, जिसके लिए चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन ने 1098 कॉल नंबर जारी किया, ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन जो कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स कि WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में दे रखा है घनश्याम देसाई, ठीक है फ्रेंड्स, घनश्याम देसाई, उसके बाद फ्रेंड्स फारूक खां, उसके बाद फ्रेंड्स से मुकेश शर्मा, उसके बाद फ्रेंड्स जगजीत सिंह। तो चलिए इसमें आंसर क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, आंसर को हम देखते हैं फ्रेंड्स। आंसर इसमें रखने वाला है फ्रेंड्स मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा को WHO से तकनीकी सलाहकार समूह के मानव सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। किसको फ्रेंड्स, तो मुकेश शर्मा को, ठीक है फ्रेंड्स। इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं फ्रेंड्स। WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानव सदस्य के रूप में मुकेश शर्मा को नियुक्त किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, मुकेश शर्मा IIT कानपुर में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष है जो कि वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, वह वैश्विक वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अहम कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं, कौन, तो मुकेश शर्मा, ठीक है फ्रेंड्स। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बराबर आता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो मुख्यालय जिनेवा में है। WHO की स्थापना कब की गई थी, तो फ्रेंड्स 1948 में की गई थी, 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस फ्रेंड्स 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी इसी के स्थापना दिवस पर। तो WHO का स्थापना कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को, याद रखिएगा तारीख से, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर लोगों को पुलिस में भर्ती की अनुमति प्रदान की, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ऑप्शन क्या कहते रखा फ्रेंड्स, हरियाणा, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान,
ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या रहने वाला फ्रेंड्स देख लेते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ओडिशा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, किस राज्य राज्य ने ट्रांसजेंडर लोगों को पुलिस में भर्ती की अनुमति प्रदान की, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ओडिशा ने की। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, इसका महत्वपूर्ण बात है क्या क्या दे रखा है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स दे रखा है महत्वपूर्ण बातें में, ओडिशा राज्य ने ट्रांसजेंडर लोगों को पुलिस में भर्ती की अनुमति प्रदान की, जिसके लिए उन्होंने 477 इंस्पेक्टर और 224 कांस्टेबल पदों की भर्ती निकाले। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 जून से शुरू होगी और आवेदन की आखिरी तारीख 15 जुलाई तक होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं ओडिशा के वर्तमान गवर्नर कौन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में बार बार पूछता है। ये सब स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नर सीएम है उन लोगों का जरूर पूछता है फ्रेंड्स। तो ओडिशा का वर्तमान गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओडिशा की राजधानी का क्या नाम है, तो भुवनेश्वर है फ्रेंड्स। ठीक है, ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को और ओडिशा के बारे में जानकारी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और आप लोगों को बार बार लिखने से याद रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने चौथा क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दे रखा है किस बैंक ने ओरेकल CX कार्यान्वयन के लिए इंफोसिस को सूचीबद्ध किया, तो यहाँ पे फ्रेंड्स चार ऑप्शन है, SBI बैंक ने, PNB बैंक ने, ICICI बैंक ने और फेडरल बैंक ने। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा फ्रेंड्स कौन, तो फेडरल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे फेडरल बैंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें है फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है कि फेडरल बैंक ने ओरेकल CXS प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने हेतु इंफोसिस के साथ समझौता किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फेडरल बैंक ने उपयोगकर्ताओं को सत्य के एकल स्रोत का प्राप्त करने के लिए एकल एप्लीकेशन ग्राहक पोर्टफोलियो को 360 डिग्री दृश्य भी लॉन्च किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में आ सकता है। फेडरल बैंक के MD और CEO कौन है, तो फ्रेंड्स ये एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम जरूरी ये क्वेश्चन आएगा गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा श्याम श्रीनिवास। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अलुआ में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, किस देश ने महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया, यानी किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है चार, ऑकलैंड, जापान, केन्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आंसर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे केन्या देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण बातें इसका जान लेते हैं केन्या के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो केन्या के बारे में यहाँ पे दे रखा फ्रेंड्स, केन्या देश यहाँ पे दे रखा फ्रेंड्स, केन्या देश ने नैरोबी विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। इस पुस्तकालय का उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री SJ ने किए थे, जो भारत के विदेश मंत्री SJ उन्होंने उद्घाटन किया। ठीक है फ्रेंड्स, इस समय भारत के विदेश मंत्री SJ 3 दिवसीय केन्या देश में गए हैं, 3 दिवसीय दौरा पर गए हैं। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री SJ। केन्या ने महात्मा गांधी के द्वारा भारत में अनेक अहम योगदान को प्रोत्साहित कर चिन्हित करने के लिए केन्या देश में इस पुस्तकालय का गठन किया। किसने, तो केन्या देश ने। ठीक है फ्रेंड्स, केन्या देश की राजधानी का क्या नाम है फ्रेंड्स, तो नैरोबी। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे केन्या देश की मुद्रा का क्या नाम है, तो केन्या सिलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, केन्या सिलिंग। केन्या देश के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, तो उहुरु केन्याटा। ठीक है फ्रेंड्स, उहुरु केन्याटा, ये लोग आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स, 4 जून को, 8 जून को, 12 जून को और 15 जून को। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स 15 जून को, इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स विश्व पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं इसके क्या महत्वपूर्ण है बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स, विश्व स्तर पर हर साल 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। पवन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में पवन ऊर्जा को की महत्व द्वारा देना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, एक अच्छा पहल है फ्रेंड्स। विश्व पवन दिवस पहली बार वर्ष 2007 में मनाया गया था। विश्व पवन दिवस का आयोजन विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल हर साल करता है। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे है, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बेल्जियम में। ठीक है, फिर यदि क्वेश्चन आ जाए कि वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बेल्जियम में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या है। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 2005 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस केंद्र शासित प्रदेश में खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने खुद को खुले शौच से मुक्त किया, तो ऑप्शन में फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख, गोवा। तो आंसर में क्या रहना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं, तो लद्दाख ने खुले में स्वयं ही शौच से मुक्त कर लिया। इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें को जानते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो महत्वपूर्ण बातें हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया, और ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य बन गया। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। लद्दाख के वर्तमान राज्यपाल राधा कृष्ण माथुर ने प्रदेशों में लोगों को खुले में शौच न करने के लिए उठाए गए अहम कदमों और घर घर में शौचालय मुहैया करवा के खुद को खुले में शौच मुक्त प्रदेश घोषित किया। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे है लद्दाख के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स लद्दाख के वर्तमान सांसद कौन है, तो यहाँ है जमयांग शेरिंग नामग्याल। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश में शासन राज्यपाल का चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। किस राज्य में 3 दिवसीय राजा पर्व उत्सव की शुरुआत की गई, तो ऑप्शन में दे रखा है फ्रेंड्स ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर देख रहे फ्रेंड्स, आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ओडिशा। ठीक है फ्रेंड्स, ओडिशा जो है यहाँ पे 3 दिवसीय राजा पर्व उत्सव की शुरुआत की गई कहाँ, तो ओडिशा में। इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं फ्रेंड्स, ओडिशा राज्य में 3 दिवसीय राजा पर्व उत्सव की शुरुआत की गई। राजा पर्व उत्सव मनाने की शुरुआत का जश्न मनाने का उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। स्थानीय लोगों को मान्यता के अनुसार इस दिन भूदेवी को मासिक धर्म आता है और चौथे दिन को शुद्धिकरण स्नान का दिन माना जाता है। इसके अंतर्गत 3 दिनों के दौरान महिलाएं कोई काम नहीं करती है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ओडिशा के वर्तमान गवर्नर कौन है फ्रेंड्स, तो गणेशी लाल है, आगे भी बता चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ओडिशा की राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर है फ्रेंड्स। यहाँ पे ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, किस देश में दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह वैसा हुड सेट तैयार किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, रूस, जापान। तो इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, देखते हैं। तो आंसर यहाँ पे होगा फ्रेंड्स फिनलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, फिनलैंड जो है यहाँ पे देश का दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह बनाने वाला देश बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं फिनलैंड के बारे में फ्रेंड्स क्या है। फिनलैंड देश में दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह वैसा उडसेट तैयार किया है। ठीक है, जिसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी के कक्ष में स्थापित करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, उपग्रह वैसा उडवेस्ट को प्लाईवुड की मानकीकृत बक्से और सतह पैनल का उपयोग करके बनाया गया, जो कि 10x10x10 सेंटीमीटर का नैनो उपग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यह उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्ष में लगभग 500 से 600 किलोमीटर को ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गया फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। यहाँ पे विश्व दाता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में देख रहा है 21वें, 12वें, 14वें, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसमें आंसर क्या रहने वाला फ्रेंड्स, तो ये 14वें स्थान पर रहा। भारत जो है विश्व दाता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान फ्रेंड्स 14वां रहा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं क्या फ्रेंड्स। यहाँ पे दे रखा है चैरिटी एंड फाउंडेशन, CAF का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, तो चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2020 में भारत 14वें स्थान पर रहा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में 114 देशों के बीच जारी किया गया है, जिसमें इंडोनेशिया पहले स्थान पर, केन्या दूसरे स्थान पर, नाइजीरिया तीसरे स्थान पर, म्यांमार चौथे स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर रहा। ठीक है फ्रेंड्स, चैरिटी एंड फाउंडेशन दुनिया भर में जीवन और समुदायों को बदलने के लिए दान देने को बढ़ावा देता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स।
तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर फ्रेंड्स जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।